वेलकम टू द शो मिस्टर कुणाल। ठीक है, आप बताइए। आप फिंगर से तो ये राइट इंडिकेटर जलेगी, छोटी बल्ब जली तो ये छोटी के कभी कभी बारिश के दिनों में। मैं बॉनेट को अनलॉक कर दिया, देखिए इधर से खोल रहे हैं, सामने से कैसे। आप जैसे एक बार तो अनलॉक कर दिया, आप क्या है सुबह का टाइम बेस्ट है लेवल चेक करने के लिए, सुबह ही में चेक कंगल में पानी देने के लिए, ढूंढने के लिए, और फिर वो गाड़ी खराब हो गई। हाँ, गाड़ी खराब हो गई। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फिलहाल हम लोग राधे स्कूल ड्राइव में आए हुए हैं फ्रेंड्स, और आज कुणाल भाई हम बताने वाले हैं कि कौन से चीज से क्या ऑन होता है, क्या ऑफ होता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यानी कि गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में ये मजीद जानकारी देंगे। गाड़ी को जितनी अच्छे से आप समझ जाते हैं फ्रेंड्स, तो उतना ही ज्यादा आपका स्मूथ हो जाता है राइडिंग करना उस पर, उसकी जो ड्राइविंग होती है ज्यादा स्मूथ हो जाती है। बात तो सही है। वेलकम टू द शो मिस्टर कुणाल। ठीक है, आप बताइए हमको गाड़ी के बारे में किस तरीके से आप बता रहे हैं। चलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन सा चीज से क्या होता है गाड़ी में, सिक्स चीज के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे ये वाला है लीवर, आपका लाइट्स का है, टर्निंग लाइट्स का है, लाइट से जनरेटर जितना भी चीज है इसी लीवर से होगा आपको। जैसे लाइट ऑन करना है, पार्किंग लाइट है, टर्निंग लाइट है, इसी लीवर से होगा। समझ रहे हो? लेफ्ट साइड वाला ये लीवर है, इससे आपको वाइपर रिलेटेड फंक्शन करना है कि धीरे चलाना है, स्लो चलाना है, ठीक, या बंद करना है। तू समझा? हाँ। इसको क्या करना है, अगर आप बस ऐसे नीचे करोगे फिंगर से तो ये राइट इंडिकेटर जलेगी, अगर ऊपर कर दोगे तो लेफ्ट जलेगी। क्या राइट इंडिकेटर करना है तो इसको नीचे करो। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर का वो सिंबल है फ्रेंड्स, मीटर पे लगा हुआ है। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करें, लेफ्ट का सिंबल, और उधर राइट का सिंबल दिया हुआ है। राइट करना है तो राइट ब्लिंकर है। सही पकड़े हैं। हेडलाइट को ऑन करना है तो एक पहला ऑफ इसके लिखा होगा, यहाँ दिखा दीजिए, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ लिखा। अगर छोटी छोटी बॉल के साथ कहीं गाड़ी साइड में किया मैंने, छोटी बॉल जली तो ये छोटी छोटी बॉल है, आगे छोटी छोटी बॉल रहती, उसके बाद ये मेन बॉल जल गया, हेडलाइट जल गया। हाँ, हेडलाइट जल गया। उसके बाद आपको ये डिपर जल गया, दूर की लाइट जल गई, दूर की लाइट के लिए जल गया। ठीक है, ठीक, और ये नजदीक के लिए। हाँ, उसके बाद ये भी सिर्फ लाइट के ही है। अच्छा, वो भी लाइट ही करेगी। अगर आपका गाड़ी में आप बस ड्राइवर बैठा है, आगे का दो बंदा बैठे हैं, तो इसको जीरो पे रखिए। अच्छा, ठीक, ये लाइट ऊपर नीचे जाती है। अगर गाड़ी में लोड है, पीछे लोड है, तो इसको तीन चार पे कर दीजिए कि गाड़ी की लाइट, क्योंकि लोड जाने से गाड़ी नीचे झुक जाती है। हाँ, झुक जाएगी पीछे वाली पार्ट। जी जी। तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये रात को आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि दूर तक जाए मेरी लाइट या नजदीक तक जाए। ठीक है, कभी कभी बारिश के दिनों में या फॉग के दिनों में नजदीक का दिखना होता है। जी, जी। तो इसको एकदम जीरो पे कर देंगे। ठीक है, कभी कभी दूर तक दिखना होता है तो तीन चार पे कर देंगे। ठीक, तू समझा? हाँ। उसके बाद आइए, जैसे ये बोनेट कहाँ से खोलते हैं, बोनेट कैसे खोलें? हाँ, तो इतना ही एरिया में आपका बोनेट वाला सेक्शन रहेगा। कितना एरिया में? एक्सलेटर से लेके या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। ठीक, इसका देखिए यहाँ पे लोगो भी बना रहेगा। अच्छा, बोनेट का लोगो बना हुआ है। हाँ, इसको दो बार में बोनेट खुलता है, एक तो पहले यहाँ से लॉक खुला, लॉक खुल गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? फ्यूल का भी यहीं पे होगा। अच्छा, फ्यूल का भी। हाँ, आप बैठो, यहाँ से ऊपर कर दो, वो खुल गया, तेल डाल के वो बंद कर देगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पे अगर डिक्की का भी होता है, बहुत गाड़ी में डिक्की का भी होता है। हाँ, तो डिक्की का जहाँ हो वहाँ से देख लेंगे। ठीक, उसमें रहता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। अब बोनेट खुलते हैं, आइए। मतलब बोनेट को अनलॉक कर दिया, देखिए इधर से खोल रहे हैं, सामने से कैसे। आप जैसे एक बार तो अनलॉक कर दिया, आप क्या है कि ये पूरी तरह से लॉक नहीं है। अब जैसे इससे खोलना है तो हमको कहाँ हाथ डाल के कहाँ से पिन लॉक करना है, जो लोगो होगा गाड़ी का, जो भी गाड़ी है उसका लोगो होता है यहाँ पे, उसके ठीक सामने से स्लाइड या अप करने वाला होगा। जैसे इसमें स्लाइड करने वाला है तो उंगली डाल के स्लाइड कर दीजिए, स्लाइड वाली, स्लाइड करने वाला। हाँ, उसके बाद ये स्टिक लगा देंगे, इसका स्टैंड लगा देंगे हम, सबके में होता है। ठीक, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब इसमें तीन चार चीज जो है बेसिक वो नॉलेज होनी चाहिए, जैसे पहला मोबिल का चेक करने का कि, अरे कहना क्या चाहते हो, कि मोबिल कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, मोबिल चेक करने का इस तरीका आपको कैसे, मैं इसको कैसे चेक करके दिखा रहा हूं, इसको हटा के बताता हूँ। गाड़ी के इंजन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो सारी बात भी कुणाल भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए मोबिल चेक करना आपको आना चाहिए। और देखिए इस तरह का
अब मोबाइल चेक आपको बस सुबह में होता है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर गाड़ी चला के मोबाइल चेक कर सके। अच्छा, सुबह जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। सुबह का टाइम बेस्ट है मोबाइल चेक करने के लिए, सुबह ही में चेक करना। अब ये देखिए, जैसे ये डॉट है, दिख रहा है डॉट? डॉट दिख रही है, दो डॉट दिख रहे हैं, यहाँ एक यहाँ, सही है। इसके नीचे अगर जाएगी तो मोबाइल कम है, आप उसको रिप्लेस कीजिए, सर्विस कराइए। हर गाड़ी में होता है। अच्छा, हर गाड़ी में यही है, बिल्कुल बेसिक यही है। ठीक है, ये छड़ मिलेगी आपको, तो अंदर डाला मैं सुबह सुबह, गाड़ी जब स्थिर रहती है तो अंदर डाला, उसके बाद बाहर निकालूंगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे। वही गाड़ी चली रहेगी तो ये पूरा में आ जाएगा। अच्छा, जैसे इससे पहले आ गया। सही है, सही है। इसको वापस से डाल देंगे। तो सारी गाड़ी का फंक्शन ये सेम ही रहता है मोबाइल का, ठीक है? बिल्कुल, ऐसे ही खींचने वाला होगा, खींचने वाला होगा मोबाइल का, हो गया। चलिए ठीक, किसी का यहाँ पे रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा, लेकिन ऐसा ही स्टिक रहेगा, मोबाइल हो गया। दूसरा है गाड़ी बंद होने का, नई नई गाड़ी भी बंद हो जाती है, काहे? कूलेंट की वजह से। कूलेंट, अच्छा हाँ, कूलेंट की वजह से। अब कूलेंट क्या है कि गाड़ी को ठंडी करती है। पुरानी फिल्में में हीरो का गाड़ी जब गर्म के मारन धुआं मारती थी तो हीरो बोतल में पानी रख के या कुछ में ला के डालता था उसमें। सही पकड़े हैं। पहले कूलेंट की जगह पे हम लोग पानी का इस्तेमाल करते थे। पहले करते थे। कई बार फिल्मों में देखे होंगे फ्रेंड्स कि वो चला गया हीरो जंगल में पानी लेने के लिए, ढूंढने के लिए, और फिर वो गाड़ी खराब हो गई। हाँ, गाड़ी खराब हो गई। पहले हैंड ब्रेक भी क्यों लगता था? पहले ईटा लोग लगा देते थे चक्कों के नीचे। सही है, अब हैंड ब्रेक लगाते हैं। अब तो कूलेंट खत्म होने पे इमरजेंसी में गाड़ी अगर बंद हो गई, रात बिरात में दुकान नहीं खुली है, तो आप उसके बदल पानी भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें डाल दीजिएगा, इसको खोल के डाल दीजिएगा। पहला मोबिल, दूसरा कूलेंट बता दिया, तीसरा है बैटरी। अब बैटरी का देखो, जैसे ये रेड कलर की है जी, ये ब्लैक कलर की होगी, ब्लैक में माइनस होगी और रेड प्लस होगी। अगर मैं ये रेड हटा दूँ, काट के हटा दूँ, आप किसी गाड़ी पे बैठे, इसमें दिख ही नहीं रहा कि कौन सा आपका बैटरी, आप नहीं है उस गाड़ी की, आप बैटरी खरीद के लाए, आपको जोड़ना है इसमें, कैसे समझेंगे हम कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है? अरे मैं क्या बताऊं मैं? वही निशानी, उसमें निशानी क्या रहेगा? अब जब ये मैं हटा दिया, मान लो कि ये तो निशानी है लाल का, तो लाल मतलब प्लस। अगर मैं इसको हटा दिया एक मिनट के लिए, तो लाल मतलब प्लस, प्लस। अच्छा, और हरा ब्लैक, मतलब ब्लैक मतलब माइनस। अच्छा, ब्लैक मतलब माइनस, हरा मतलब माइनस, माइनस। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं हटा दिया तो दोनों तार में आप कैसे बता पाओगे कौन सा कौन है? ठीक, सही है, सही है, सही है। आप क्या करना है, ऐसे कैसे समझेंगे? अगर कोई वायर बॉडी से कनेक्ट है, इस मीन्स वो अर्थिंग है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देखो अर्थिंग है, बॉडी से कनेक्ट है, यानी गाड़ी से टच हो रहा है ये ब्लैक वाला गाड़ी। पहले कल में या छड़ में हम लोग तार बांध के अर्थिंग लेते थे। जी जी, गाड़ी से टच है, यानी अर्थिंग वाली ब्लैक कलर जो है ये अर्थिंग वाली, बिल्कुल। और रेड वाली वायर होगी जो इंजन से कनेक्ट रहे, इंजन के वायरिंग से कनेक्ट है, इंजन से कनेक्ट है उधर। ठीक, समझ रहे हो? सारे गाड़ी का बेसिक यही रहता है, ठीक है ना? बैटरी सब में जो है ब्लैक अर्थिंग यानी कि गाड़ी से कनेक्ट होगा, और रेड जो है वो इंजन से कनेक्ट होगा। अब ये है आपको फ्यूज, ये फ्यूज हो गया। अच्छा, गाड़ी का बॉक्स है, देखिए अब जो जिसका बॉक्स है यहाँ पे सब लिखा होता है। अच्छा, ठीक है, लाइट का, हॉर्न का, रिले का, गाड़ी स्टार्ट का, ऑफ का। अगर आप कहीं लगा दिए, बाहर गाड़ी लगा दिए, तो इसमें से स्टार्टिंग फ्यूज निकाल लीजिए। ध्यान भी रखिए, किसी मैकेनिक के पास रहिए सर्विस कराने के लिए, तो वहाँ पे देखा कीजिए कि कौन सा क्या कर रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग फ्यूज कौन सा है? अब ये 1-2 जो है जी, ये वाली। अच्छा, ये है 1-2, ये स्टार्टिंग फ्यूज है, 1-2 स्टार्टिंग फ्यूज है। ठीक है, इसको मैं निकाल दूंगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बहुत अच्छा लगेगा, जैसे गाड़ी पंचर हो गई, हम अकेले हैं, चक्का खोल के लेके जाना है, तो फ्यूज निकाल लेंगे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बता रहे हैं, और गाड़ी के इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके लिए ये बताया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। सेफ्टी के अलावा भी है कि अगर गाड़ी बंद हो गई, हॉर्न नहीं दे रही, लाइट नहीं जल रही, तो ये सब फ्यूज निकाल के हम देखेंगे। हर गाड़ी में लिखा रहता है कि फ्यूज कैसी क्या चीज़ का, लाइट वाली फ्यूज होगी तो लाइट वाली फ्यूज देखेंगे, चेक करेंगे निकाल के, अगर टूटा होगा तो उसके बदले में लगा देंगे। ठीक है, गाड़ी के साथ आपको फ्यूज आएगा, दो चार एक्स्ट्रा दे के देता है। ठीक है, तो ये फ्यूज का भी जानकारी होना चाहिए कि रात बिरात में ये भी काम आ जाता है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब इसमें हम सिलेंडर कैसे पहचानेंगे कि कितने सिलेंडर का गाड़ी होती है? देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने सिलेंडर की गाड़ी है बताइए। अब जैसे गाड़ी की प्लग की है, बाइक की प्लग कई बार निकाल के साफ भी किए होंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होने पे। जी, इसमें भी प्लग है, इसमें भी प्लग होता है बाइक की। और हाँ, एक दो और यहाँ पे तीन सिलेंडर की गाड़ी है। अच्छा, अगर चार सिलेंडर की होती ये,
फलक है। हाँ, जो पीला पाइप जो जुड़ रहा है इससे देख लीजिए, वो फलक है। एक दो तीन आपको दिख गया ऊपर से। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। एवरेज वगैरह निकालना हो तो इसको कभी कभी बलवा लिया कीजिए, जैसे 3,000, 5,000, 10,000 किलोमीटर चल गया तो बोलिए कि प्लग बदल दे। अच्छा, प्लग बदल दे। एक अच्छी कंपनी का प्लग लगाइएगा तो गाड़ी की अच्छी एवरेज देगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है इंजन ऑयल कौन सी डल रही है, ये भी डिपेंड करता है। यानी कि ये गाड़ी हमारी 3 सिलेंडर की है, इसमें हम देख के हम बता सकते हैं इसका। बहुत सारी जानकारी आपने हमको इंजन के मुतालिक दिया और ये गाड़ी को समझने में और ज़्यादा इजाफा कर देगी। फ्रेंड्स, अगर आप सीख रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म का यही फ़ायदा होता है कि उनके एक्सपीरियंस से आप तुरंत जो है सारी चीज़ें समझ जाते हैं, सारी चीज़ें सीख जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ बताना है या कंप्लीट? हाँ, एक छोटी सी है, इसमें वाइपर में जो पानी आती है, वाइपर में एक पानी आती है जो बोनट से आती है, ठीक। तो यहाँ पे उसके साथ आप शैम्पू वगैरह डाल के अपना खुद से डालना होता है। जी, खुद से डालना है। इसमें डाल सकते पानी और शैम्पू। इसका लोगो यहाँ पे ऐसा बना रहेगा, आपके वही गाड़ी में ऐसा बना। वाइपर का वाइपर में दो टंकी होगा, एक लेफ्ट एक राइट। राइट में कूलेंट, लेफ्ट में वाइपर का टंकी रहता है जो पानी उसमें आपको शीशे साफ करने के आती है। तो इन जनरल आप इसको भी बदल लीजिए। ये वाइपर का मोटर है, कभी काल बहरहाल ख़त्म ख़राब हो जाए, वाइपर नहीं चले तो आप खुद से ये खरीद के लाओ, 700-800 की मिल जाएगी। खुद से नट को कसो, 10-12 इंच की आएगी, खुद से बना लो। बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि आप अपने से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बेसिक हम जानकारी दे रहे हैं, वरना अगर आपको मैकेनिक वगैरह हर जगह रहते ही हैं तो उनसे वो भी अगर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से बना रहे हैं और आपके लिए सहूलत रहेगा। और मज़ीद आपको पता होना चाहिए ताकि कोई कहीं आपको बेवकूफ़ ना बना दे कि भाई गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आपका मिस यूज़ या ज़्यादा का बिलिंग वगैरह ना आ जाए, उसके लिए होता है। सह लेंगे थोड़ा सा। या इमरजेंसी में आपको मुश्किल नहीं हो, इमरजेंसी में कहीं गए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या ख़राब है मेरी गाड़ी का। स्टेपनी वगैरह के बारे में थोड़ा जानकारी। स्टेपनी क्या है कि गाड़ी का चक्का अगर खुद से आपको बदलना थोड़ा बहुत आना चाहिए। आइए देख लेते हैं। अब जैसे ये चक्का मान लो चेंज करना है हमको जी, तो ये 4 नट खोलना होगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कैसे खोलना है, ये भी क्वेश्चन वाली बात रहती है। कैसे आप इसको खोलेंगे आप बताओ। कई बार अकेले सफर कर रहा है आदमी या रास्ते में तो चक्का में कुछ मसला आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। हर गाड़ी में सेम फंक्शन है तो उतना नॉलेज होना चाहिए। देखिए ये स्टेपनी है आपको। हाँ, ये देखिए। तो ये आप हमेशा देख लीजिए कि पंचर है कि सही है। अगर पंचर हो तो बनवा लीजिए, ठीक है। 1 इंच छोटी ही रहती है चक्का। अच्छा, 1 इंच छोटा है। स्टेपनी आपका 1 इंच छोटा रहता है, ठीक है। अब वो इंच क्या रहता है मैं बताता हूँ आपको। ये हर गाड़ी का 1 इंच छोटा रहेगा। हाँ भाई, अब ये देखिए, खोलने की जरूरत नहीं क्या? खोलो भाई, नहीं खोलेंगे, नहीं बता देते हैं ऊपर से। अब देखिए 145/80 R12। अच्छा, आर फॉर रेडियस, ठीक है ठीक है। ये इसकी चौड़ाई 12 है तो 12 इंच चौड़ा हो गया। 145/80 R12, ठीक, रेडियस 12 है इसकी। अगर मेरे को चक्का इसका खरीदना होगा तो चक्का उठा के नहीं लेके जाएंगे, यही नंबर नोट कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे, लेके जाएंगे, इसको बोलेंगे। यानी टायर पे ही नंबर लिखा रहता है, उसी को नोट कर लिया हमने और फिर हम लेके चले गए और फिर वो खरीद सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब इसको लगाने का क्या होता है कि ये जैक है, जैक हो गया, देख लीजिए इस तरह का जैक। ये इसमें कट भी आता है बहुत में, ठीक है। अच्छा, कट आता है तो ये कट यहाँ पे लगाने के लिए होता है। ये जैसे यहाँ देख पाइएगा, देखिए यहाँ पे इसके बीच में आता है, ठीक। यहाँ पे हम लगा देंगे। लगाने से पहले, इसको लिफ्ट करने से पहले हम इस सारे नटों को ढीला करेंगे। ढीला कर देंगे, खोल के ढीला कर दिया हमने, खोल के ढीला कर देंगे। उसके बाद इसको नचा के लिफ्ट करेंगे ऊपर। अच्छा, इसको ऊपर हाइट देंगे। हाँ, जैक को आपको, इसको नट को नहीं निकालना है, बस ढीला करना है, ठीक है, सिर्फ ढीला। एयर में जाने के बाद हम आराम से खोल सके इसको। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ही खोल देते हैं, यहीं से ढीला कर देते हैं या इसको यहाँ चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब गाड़ी को हवा में कर दीजिएगा तो इसको फोर्स लगता है खोलने में। हाँ, तो खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं आपसे, चक्कर नाचने जाएगा, चक्कर नाचने लगेगा। इसलिए अच्छा हमको सिखा रिया है। पहले, सबसे पहले इसको ढीला कीजिए जमीन पे रखे, ये सब क्रम में हैंड ब्रेक चला देना है, हैंड ब्रेक लगा दीजिए गाड़ी में, आगे पीछे हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट कीजिए, देन आप चक्के को पूरा। देखिए फ्रेंड्स, पूरी गाड़ी की मुकम्मल जानकारी लगभग हम लोगों ने आपको दे दिया, जो आपको कभी भी हालात के सामने जो है उस तरह का हालात अगर पेश आता है तो वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कि भाई उस तरह उसको इस्तेमाल करिए आप। और इतनी जानकारी होने से आप कभी घबराइएगा नहीं, कभी परेशान नहीं होइएगा। और अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या परेशान फैमिली के साथ भी, तो भी आप नर्वस नहीं होते हैं। गाड़ी का स्टेपनी चेंज करना, इंजन के मुतालिक जो जानकारी है, कहीं मान लीजिए आपको अकेले गाड़ी छोड़ के भी जाना है तो भी आप इसका प्लग वगैरह निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग प्लग, तो वो कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर सकता है। बिल्कुल। हालांकि जो सेफ्टी है, ऑफ़ करना, लॉक करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें भी राधे ड्राइविंग स्कूल में जो है कुणाल भाई ने हम लोग को बता दिया। बस कुणाल भाई, आज के लिए
शुक्रिया। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर दिन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।